नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे आज स्टैटिक और करंट जीके क्वेश्चंस पे। पहला सवाल आपके सामने, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ अल्जीरिया? अल्जीरिया की करेंसी दिनार है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिरहम जो है वो यूएई की करेंसी है, जिसको आप दुबई के नाम से भी जानते हैं। डॉलर यूएस की करेंसी है और टका बांग्लादेश की है। ये भी आप याद रखें, आगे के एग्जाम्स में काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज लोकेटेड? तो आप जानते हैं नई दिल्ली में इसका इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन नेवल स्टेशन INS शिवाजी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो INS शिवाजी जो है महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपसे नेवल कमांड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है दोस्तों, वेस्टर्न नेवल कमांड महाराष्ट्र में है, मुंबई के अंदर, और सदर्न नेवल कमांड कोची में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल पर सबसे पहले रॉबर्ट पियरी पहुंचे थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरतनाट्यम इज द पॉपुलर क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मणिपुर से संबंधित है मणिपुरी डांस, ओडिशा से संबंधित है ओडिसी डांस और आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्चिव्स? तो नेताजी किताब कल्याण कुमार दे ने लिखी है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेताजी को लेकर यहाँ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वन मास्क मैनी लाइव्स पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम? तो आप जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड इस समय COVID-19 पेंडेमिक से जूझ रहा है, तो ये स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने लागू करी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंपनी टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 500 लार्जेस्ट कंपनीज रिलीज बाय फॉर्च्यून मैगजीन इन अगस्त 2020? तो आपका जवाब होगा वॉलमार्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर? स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन अगस्त 2020। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच फुटबॉल वर्ल्ड कप हैज वॉन द टाइटल ऑफ फ्रेंच डोमेस्टिक फुटबॉल कॉम्पिटिशन फ्रेंच लीग कप 2019-2020? तो आप जानते हैं कि फुटबॉल कप का टाइटल पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? तो UPSC के नए चेयरमैन हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ये दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें अब ये पद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हैज हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021 टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु रॉट द बुक अमेजिंग अयोध्या? अमेजिंग अयोध्या के लेखक हैं नीना राय, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड? तो एरो 2 जो है वो इसराइल की मिसाइल है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल गेन्ड फर्स्ट प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल्स इन द क्लीनलीनेस सर्वे 2020? तो आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान भारत में जोरों पर है,
तो राजधानी की अगर बात करें तो ये सौभाग्य दिल्ली को प्राप्त हुआ है, और अगर आप सिटी की बात करें तो पहले पायदान पर इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच एक्टर इज नॉन एज स्टार ऑफ द मिलेनियम? तो स्टार ऑफ द मिलेनियम का तगमा श्री अमिताभ बच्चन को दिया जाता है, एंग्री यंग मैन के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज? तो आपका जवाब होगा कैस्पियन सी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो देखिए प्रेम सिंह तमांग जो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, बिप्लब कुमार देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इडापड्डी के पलनी स्वामी की अगर बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, नेफ्यू रॉय नागालैंड के मुख्यमंत्री, तो ये भी आप याद रखिए, आगे की परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाल बाग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो लाल बाग कर्नाटक के अंदर है, और इसको लाल बाग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बाग के अंदर काफ़ी चीज़ें लाल कलर में है। क्वेश्चन नंबर 20, हाफ द नाइट इज गॉन बुक इज रिटन बाई? तो इन दिनों 2020 में शशि थरूर ने काफ़ी किताबें लिखी है, द एक डार्क फेज भी लिखी है और दूसरी हाफ द नाइट इज गॉन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।